सूडान में जारी हिंसा के बीच आरएसएफ ने वहां के सरकारी मीडिया हाउस पर कब्जा कर लिया है। म्यांमार में आए टोर्नेडो की वजह से कितने लोगों की जान चली गई है और साउथ अफ्रीका में कहां हुई फायरिंग में गई एक ही परिवार के 10 लोगों की जान। ग्लोबल खबरों के लिए देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव टॉप 9। सूडान में पिछले करीब एक हफ्ते से जारी हिंसा थम नहीं रहा है। राजधानी खार्तूम सहित देश के दूसरे हिस्सों में हुई हिंसा में एक भारतीय समेत 330 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। रैपिड सपोर्ट फोर्सेज की यूनिट ने खार्तूम के बाहरी इलाके में लड़ने का दावा किया है। सूडान के हालात पर पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग कर वहां से भारतीयों की सुरक्षित निकासी के निर्देश दिए। बैठक में विदेश, रक्षा मंत्रालय और सेना के अधिकारी शामिल हुए। सूडान में 3000 से ज्यादा भारतीय फंसे। राजधानी खार्तूम में गृह युद्ध के चलते उनको निकलने में मुश्किलें आ रही हैं। सूडान में सेना और आरएसएफ के संघर्ष में रेडियो टेलीविजन मीडिया हाउस पर रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने कब्जा कर लिया है। इससे पहले सूडान की सेना की ओर से कहा गया है कि सेना देश में लोकतांत्रिक और गैर सैनिक शासन के लिए प्रतिबद्ध है। सेना के बयान को सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। म्यांमार की राजधानी नेप्योज के पास आए टोर्नेडो ने जमकर तबाही मचाई है। शुक्रवार शाम को आए इस विध्वंसक टोर्नेडो के चलते 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और करीब 110 लोग घायल हो गए। तूफानी हवाओं ने कई जगहों पर जमकर नुकसान पहुंचाया। दक्षिण अफ्रीका के पीटरमैरिट्सबर्ग के एक घर में बंदूकधारियों की धुआंधार फायरिंग में एक परिवार के 10 लोग मारे गए। पुलिस के काउंटर रिएक्शन में एक हमलावर मारा गया। पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। वहीं फरार हुए एक आरोपी की तलाश की जा रही है। लंदन के गोल्डन स्टार मेमोरियल कनेक्टिकल ब्रिज पर फ्यूल टैंक और एक कार के बीच हुई टक्कर के बाद धमाकों के साथ आग लग गई। आग की लपटें काफी दूर से दिख रही थी। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। हादसे के बाद कई घंटे तक पुल को बंद रखा गया। अमेरिका के दक्षिणी इडाहो के एक हाई स्कूल में भीषण आग लग गई। भारी बर्फबारी के बीच आग की लपटें इमारत के ऊपर दिखी। हादसे में छात्रों सहित किसी के भी घायल होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने के कारणों के बारे में भी पता नहीं चल सका है। एलन मस्क ने अपनी कंपनी स्पेस एक्स के स्टारशिप लिफ्ट ऑफ का स्लो मोशन वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें रॉकेट उड़कर तबाह होता दिख रहा है। लॉन्च पैड से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही रॉकेट में धमाका हो गया था और वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया था। अगले साल फ्रांस में होने जा रहे ओलंपिक खेलों के लिए पेरिस में तैयारियां जारी हैं। आयोजक दुनिया भर से आने वाले हजारों एथलीट्स का स्वागत करने के लिए सीन नदी और उसकी मशहूर नावों के साथ इनॉग्रेशन सेरेमनी दिव्य बनाना चाहते हैं। पहली बार खेलों की शुरुआत करने वाला समारोह स्टेडियम के बाहर होगा।